Hello guys, welcome back to our course on diseases caused by the different types of pathogens, presented by me, Rohit Pathak. Guys, now we have to going to discuss about the bacterial diseases part 2. So pehle I want to tell you brief discuss about me. My name is Rohit Pathak, past BSc from PPN degree college Kanpur, also preparing for UPSC's exams. Hobby playing cricket, roaming with friends, also love to spread my knowledge to others who really want to study. I am there for them. Follow me on academy for new updates of my course. आप मेरे न्यू कोर्स के अपडेट्स के लिए अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे रेट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर सकते हैं. तो गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जिसका आज टॉपिक है बैक्टीरियल डिसीजेज पार्ट टू की. हमने इससे पहले बैक्टीरियल डिसीजेज पार्ट वन और वायरल डिसीजेज की डिस्कशन कर लिया है. आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल डिसीजेज, जिसमें हमारा है टिटनेस, निमोनिया, प्लेग एंड फूड पॉइजनिंग की भी बात कर रहे हैं. तो हम लोग गाइस बढ़ते हैं और कुछ और भी डिजीजेज है उनकी भी बात कर लेंगे. नाउ गाइस वी हैव टू मूव ऑन द टिटनेस. टिटनेस की बात करेंगे, जिसको हम लॉक जो और बो शेप्ड डिसीज भी बोलते हैं. अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लॉक जो और बो शेप्ड डिसीज कौन सी है, तो है टिटनेस. बैक्टीरिया इसका क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी. बैक्टीरिया ऑफन एंटर द बॉडी थ्रू अ पंचर वुंड. इसका सीधा सा मतलब है कि इसका जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, वो हमारे वुंड के थ्रू, जिसमें पंचर वुंड होता है, जो लगा जब हमें चोट लग जाती है उसके थ्रू ही हमारी बॉडी में एंटर करता है. कॉज्ड बाई नेल्स, स्प्लिंटर, इंसेक्ट बाइट, बर्न्स, एनी स्किन ब्रेक. नेल्स के थ्रू हो सकता है, स्प्लिंटर्स और किसी के काटने, इंसेक्ट बाइट्स के थ्रू भी हो सकता है, जलने पे भी ये इंटर कर सकता है वहाँ से, और यानी स्किन ब्रेक, कहीं भी हमारी अगर स्किन ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है या चोट लग जाती है, उसके थ्रू भी ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर कर सकता है. क्लियर गाइज? इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा ट्रीटमेंट यूज़ होता है ATS, एंटी टिटनेस सीरम फ्रॉम हॉर्स, जो हॉर्स से बनाया जाता है. एंटी टिटनेस सीरम ATS का यूज़ इस ट्रीटमेंट में किया जाता है. लेटेंट पीरियड की बात करेंगे तो विद इन 24 आवर्स वैक्सीनेशन मस्ट बी डन. 2 ml ऑफ ATS का यूज़ किया जाता है विद इन 24 आवर्स. ओके, क्लियर गाइस? नाउ वी हैव टू मूव ऑन फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? इसका कारण भी बैक्टीरिया होता है. इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. पहला है कैम्पली लोकोबैक्टर, फिर है साल्मोनेला, ईकोलाई, लिस्टेरिया और लास्ट है हमारा बॉटुलिज्म. तो इसके लिए जो हमारे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, कैमी लोकोबैक्टर, साल्मोनेला, ईकोलाई, लिस्टेरिया एंड द लास्ट वन इज बॉटुलिज्म. अफेक्टेड पार्ट की बात करेंगे तो फूड पॉइजनिंग स्टमक से ही रिलेटेड है, तो इसमें हमारी स्टमक अफेक्ट होता है. ड्यू टू पीज पल्स स्टमक रिच इन स्टार्च. ड्यू टू पीस के थ्रू होता है, पल्स के थ्रू, और स्टमक में जब हमारा स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है. हाई टेम्परेचर डिसीज, ये फूड पॉइजनिंग का केस भी गर्मियों और समर में होता है, जब बहुत सारा टेम्परेचर मौसम में होता है, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर डिसीज है. क्लियर? अगर क्वेश्चन आता है हाई टेम्परेचर डिसीज कौन सी है, तो ऑप्शन में आप फूड पॉइजनिंग को ही टिक करेंगे. अब लास्ट है हमारा न्यूमेनिया और प्लेग की बात कर रहे हैं. तो न्यूमेनिया के लिए, न्यूमोनिया के जो हमारा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई. बैक्टीरिया हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई. अफेक्टेड पार्ट है इसमें लंग्स और ब्रीदलेसनेस. लंग्स, न्यूमेनिया में हमें लंग्स इफेक्ट होता है और हम उसमें सांस भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि निमोनिया हमारा जुकाम से रिलेटेड है. हमारे नाक से निकलेगी, इसमें हमें ठंड लग जाती है, जिससे हम नाक बिल्कुल जाम हो जाती है और हम सांस भी नहीं ले सकते हैं, और हमारा लंग्स भी इफेक्ट होता है इसमें. हाईली मॉइस्चर डिपेंडेंट,
मतलब जब हमारे मौसम में आर्द्रता की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है तो निमोनिया होने का खतरा रहता है। इसका मंथ है हमारा सितंबर अक्टूबर और ट्रांसमिशन थ्रू एयर होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पीपीवी वैक्सीनेशन इसमें यूज़ किया जाता है। नाउ गाइस हम लोग बात कर रहे हैं प्लेग की, जो एपिडेमिक डिसीज़ है। क्लियर गाइस, तो अब हम लोग बात करें प्लेग की। इसमें है जो एपिडेमिक डिसीज़ प्लेग को बोला जाता है, इसके लिए जो हमारा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है पोस्टरेला पेस्टिस। क्लियर, इट इज़ द पोस्टरेला पेस्टिस। अफेक्टेड पार्ट की बात करेंगे तो हमारा लम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड्स, जिसे हम लसिका गांठें बोलते हैं गाइस हिंदी में। अफेक्टेड पार्ट अगर हिंदी में आता है तो आप क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश हिंदी दोनों दिया रहता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अफेक्टेड पार्ट है हमारा लिम्फ नोड्स या लसिका गांठें। जो हमारा इंडिया में जो प्लेग फैला था, मोस्ट अफेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड है प्लेग के लिए, वो है लातूर महाराष्ट्र में, जो इंडिया का पार्ट है, हमारे देश का, तो इसके लिए हमें गर्व करना चाहिए। इस द ओनली, ये हंसने के लिए एक बात थी। तो जो हमारा लातूर है महाराष्ट्र में, वो मोस्ट अफेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड फॉर नोन एज प्लेग, प्लेग के लिए जाना जाता है मोस्ट अफेक्टेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जो हाई सिम्टम्स की बात करेंगे तो हाई फीवर और कंजक्टिविटीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज फीवर आता है और कंजक्टिविटीज़ साइकिल हमारे में प्लेग में बढ़ जाता है। इसका जो कैरियर है प्लेग का वो है रैट, पैरासाइट ऑफ रैट कॉल्ड पिसू। तो रैट के थ्रू जो प्लेग है बहुत ज़्यादा फैलता है और इसके पैरासाइट को पिसू बोलते हैं। क्लियर गाइस, तो ये बात हो गई हमारे बैक्टीरियल डिसीजेस पार्ट टू की। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस की बात करेंगे और कुछ प्रोटोजोअन डिसीजेस की बात कर लेंगे। तो अब हम मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा रेट करें, रिव्यू करें, रिकमेंड करें और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, कीप रिवाइजिंग, स्टडी हार्ड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।